नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं आज चर्चा करूँगा स्नोरिंग यानी खर्राटा। हम लोग इससे परेशान हैं, खर्राटे से। हर घर में खर्राटे का कोई ना कोई पेशेंट है जो रात में स्नोरिंग करता है और उससे शवों को परेशानी होती है। हम आप जिनको भी ऐसी समस्याएँ हैं उनको खुद लगता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो आज मैं इस पे होम्योपैथी में कौन कौन सी अच्छी दवाएं हैं खर्राटे के लिए। आप यदि रात में खर्राटा भरते हैं तो उसके लिए कौन सी दवा है, तो ये मैं तीन कॉमन दवाएं बता रहा हूं जो आम लोगों के लिए, जिनको कोई वजह नहीं है, सिर्फ खर्राटा भरते हैं, कोई वजह पता नहीं है, या थोड़ा नोजल कंजेशन रहता हो या नोजल कंजेशन या किसी और कारण से, तो आम समस्या जो है उसके लिए मैं कॉमन दवाएं बता रहा हूं जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। शैम्बकस नाइग्रा 30 को लेना है 3 to 4 drops ट्वाइस ए डे विथ वाटर। लेमना माइनर क्यू को लेना है 10 से 12 बूंद की मात्रा सुबह शाम थोड़े से पानी में। और एक पेटेंट औषधि है डीजल कंपनी का WL-45, बहुत ही कारगर है WL-45। इसको लेंगे 12 से 15 बूंद की मात्रा 3 बार, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में। तो मैंने तीन कॉमन दवाएं बताया है आपको। इन तीन कॉमन दवाओं का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, शैम्बकस 30, लेमना माइनर क्यू और WL-45। और मैं समझता हूं कि इन तीन दवाओं से साधारणतया 80% केस सॉल्व हो जाएंगे खर्राटे के, और उनको खर्राटा आना धीरे धीरे कम जाएगा। दवा को 1.5 से 2 महीना चलाएंगे ठीक होने के बाद, जब खर्राटा भरना बंद कर दें आप, खर्राटा आना बंद हो जाए, तो आप इसको चलाएंगे 1.5-2 महीने। उसके बाद कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग दिन में भी ऊँघने लगते हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं और ऊँघते के साथ उनका खर्राटा शुरू हो जाता है दिन में भी। तो आप इन तीन दवाओं के साथ उनको जोड़िए। वैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जरूर पेट में रहता है, तो वैसे पेशेंट को OPM 200 की मात्रा क्या रहेगी, 3 to 4 drops ट्वाइस ए डे, 3 से 4 बूंद की मात्रा सुबह शाम OPM उनको जोड़ दीजिए थोड़े से पानी में, तो आप देखेंगे कि सहजता से उनका दिन का खर्राटा और रात का खर्राटा दोनों ठीक हो गया और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया। कभी कभी देखने को मिलता है कि हर दवा चलाने के बाद भी कम अधिक खर्राटा आ ही रहा है। वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में उनको नेजल पॉलिप होता है, नाक में मांस बढ़ा होता है, अर्बुद बढ़ा होता है, और जिसके कारण एयर पाथवे साफ नहीं हो पाता है किसी भी दवा से, और कंजेशन रहता है जिससे उनको स्नोरिंग रात में ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में आप जोड़ेंगे टिकोरियम एम भी क्यू 15 बूंद की मात्रा सुबह शाम हाफ कप पानी में। TMB को देंगे 15 बूंद की मात्रा सुबह शाम हाफ कप पानी में। और दो दवाएं जोड़ेंगे थूजा 1 mg और सेंगोनेरिया नेट्रिक 1 mg। थूजा 1 mg सप्ताह में एक दिन और सेंगोनेरिया नेट्रिक 1 mg सप्ताह में एक दिन ये दोनों दवा देंगे। और TMB की मात्रा 15 बूंद की मात्रा सुबह शाम रहेगी। इन तीन दवाओं को देने से उनके जो नाक के अंदर कहीं भी किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ग्रोथ खत्म हो जाएगा और एयर पाथ भी क्लियर हो जाएगा, जिससे कि इनको स्नोरिंग ठीक होने में मदद मिलेगी और आराम की नींद सो पाएंगे। इन दवाओं से आप स्नोरिंग में लाभ ले सकते हैं दोस्तों। मेरा एक इकोलाई का जो है सो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा वायरल है, आप उसको ज़रूर देखिए। मेरा साइनस पे एपिसोड है, बच्चों की हर बीमारियों पे मेरा 3-4 एपिसोड है, आँखों की बीमारियों पे मेरा 3-4 एपिसोड है। तो आप हर प्रकार की बीमारियों पे हमने एपिसोड बनाकर छोड़ दिया आपके लिए, आप उसका लाभ उठाइए, उसको देखिए। और जो बेहतरीन दवा है जिनका मैंने उपयोग किया है, जिनको मैंने अपने यहाँ चलाया है पेशेंट पे, उसमें वही सारे उन सारी दवाओं का ही जिक्र है। तो आप उनको देखिए, उनसे लाभ उठाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।